हेलो फ्रेंड, वेलकम। सतबला स्टूडेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मिसलेनियस टॉपिक पे पास को एक्ट से संबंधित में चर्चा करूँगा। ये टॉपिक मिसलेनियस आप ये देखते होंगे जी कि आपका जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मिसलेनियस है। ओके, अब मैं 39 पढ़ता हूँ। गाइडलाइन टू चाइल्ड टू मेक असिस्टेंट और एक्सपर्ट एसटीसी यानी सब्जेक्ट टू द सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शेल बी प्रिपेयर गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर गाइडलाइन फॉर यूज आर नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट और पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी सोशल वर्क फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएट विद द प्री ट्रायल एंड ट्रायल स्टिल असिस्ट द ट्रायल। इसका अभिप्राय क्या है कि 39 का जो है गाइडलाइन टू टेक है, यानी कि विशेषज्ञ आदि सहायता लेने के लिए पालकों के लिए जो चाइल्ड का है दिशा निर्देश दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल के अकॉर्डिंग जो इस नियमित बनाए जाए, जो एक नियम बनाए जाए, जो नॉन जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें प्रोफेशंस होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास जो है साइकोलॉजी हो या सोशल वर्क्स हो या हेल्थ रिलेटेड जो हो, मेंटल जो है मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो या चाइल्ड डेवलपमेंट नॉलेज हो या चाइल्ड के एड के लिए करने के लिए प्री ट्रायल के विचार के प्रक्रम में संयोजित करने के लिए निर्देशित तैयार करेगी। ये बताता है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम 40 पर। 40 क्या कह रहे हैं, 40 को देखते हैं हम। राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। इसकी बात करता है, लीगल प्रैक्टिशनर की बात करता है। अब लीगल प्रैक्टिशनर कैसे होनी चाहिए इसके बारे में हम समझते हैं। एक मिनट, अब लीगल प्रैक्टिशनर की जो है बात अब देखते हैं कि राइट ऑफ असिस्टेंट टू लीगल प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 301 यानी 301 ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑफ द फैमिली गार्जियंस ऑफ द चाइल्ड एक्ट शैल बी इंटाइटल द असिस्टेंट ऑफ लीगल काउंसिल देयर ऑफ चॉइस फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि 40 का जो है राइट ऑफ चाइल्ड टेक असिस्ट ऑफ लीगल पिटिशनर, जो बच्चों का अधिकार है और उसको सहायता विधिक द्वारा कैसे किया जाएगा इसके बारे में ये 40 बताया गया है। तो जो प्रोविजन है डेट इफ द फैमिली ऑफ गार्जियंस ऑफ चाइल्ड आर अनेबल टू अफोर्ड अ लीगल काउंसिल द लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल बी प्रोवाइड अ लॉयर टू देम। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो 40 है विधिक जो काउंसिल की सहायता देने के लिए जो है चाइल्ड का अधिकार है, यानी सीआरपीसी की धारा 301 के जो प्रोविजो के अकॉर्डिंग रहते हुए चाइल्ड हो या उसके परिवार या गार्जियंस हो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे ऑफेंस के लिए या अपनी पसंद का जो कहते हैं कि विधिक काउंसिल जो है चॉइस विधिक काउंसिल के जो है सहायता लेने का हकदार होंगे। प्रोविजो या जो है चाइल्ड है या उसके परिवार की या कोई इसका जो है लीगल शेयर्स है तो लीगल काउंसिल का जो भी एक्सपेंस होगा वो जो है वहन करने में असमर्थ तो वो क्या करेंगे, लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकील उससे जो है उपलब्ध कराएंगे। ये 40 कहता है। तो 41 कहता प्रोविजन्स सेक्शन 3-13 नॉट अप्लाई इन सर्टेन केस। यानी कि जो है इसमें का कहने मतलब ये है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो 3-13 के जो प्रोविजन्स लागू नहीं होते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3-13 बोथ एक्सक्लूसिव शैल नॉट अप्लाई इन दिस इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेंटल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड हुएन सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अंडरटेकन विद द कंसर्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गार्जियंस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ये जो बताता है कि 41 का जो मतलब ये है कि धारा 3-13 जो दोनों में सम्मिलित होते हैं उसमें जो प्रोविजंस है चाइल्ड के जो मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल रेमेडीज के जो कंडीशंस हैं द
तब लागू होंगे नहीं होंगे, जब मेडिकल जो एग्जामिनेशन या मेडिकल रेमेडीज में उसके माता पिता या उसके जो गार्जियंस की अगर सहमति किए जा रहे हो। ठीक है, अब आ जाता है अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करते हैं। 42 में अल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या है? वेयर एन एक्ट की मतलब क्या है कि वेयर एन एक्ट ओमिशन कंट्रीशन ऑन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड आल्सो अंडर सेक्शन 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 378, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E, सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 ऑफ 2000, देन नॉट बी सस्टेंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर टाइम बींग फोर्स ऑफेंडर फाउंड गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ऑफ पनिशमेंट ओनली अंडर दिस एक्ट इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड पनिशमेंट विच ग्रेटर इन डिग्री। कहने मतलब यह है कि 42 में क्या कहता है कि जो है अल्टरनेटिव की बात करता है कि जहाँ किसी कार या लोप इस अधिनियम के अधीन जो है इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 166A धारा 354A, 354B, 354C, 354D, धारा 370, धारा 370A, धारा 375, 376, 76AAB, 76B, 76C, 376D, 376DA, 376DB और 376E और के धारा 509 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 67B के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध घटित होने होते हुए तो वहाँ तस्मय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट या किसी बात के होते हुए अपराध का दोषी पाया गया तो अपराध उसे दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्र गुरुत्तर है। अब आ जाते हैं ये जो ये स्टेटमेंटमेंट है आप देख लीजिएगा। अब आते हैं 42A, 42A एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, यानी कहता है कि अधिनियम के किसी अन्य विधि का अल्पीकरण न होना। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल बी एडिशन टू एनी एंड नो डेरोगेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इनफोर्स एंड इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द प्रोविजन ऑफ एनी फैमिली एनी सच लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अब 42 ये कहता कि है कि 42A जो है इस अधिनियम का जो है किसी अन्य विधि का जो है अल्पीकरण न होना। इस अधिनियम के उपबंधों तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में, और किसी असंगत के दशा में इस अधिनियम के उपबंधों को उस असंगत की सीमा तक ऐसे विधियां उपबंध अद्रोही प्रभावी होंगे। अब बात करते हैं कि सेक्शन जो है 43 पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर डेट, यानी कि 43 इस केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवेल टू मेक जनरल पब्लिक चिल्ड्रन एज वेल एज देयर पेरेंट्स एंड गार्जियंस अवेयर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी द ऑफेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न पर्सन इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर आर इम्पार्टेड पीरियडिक ट्रेनिंग ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंशन ऑफ दिस प्रोविजन्स। यानी 43 ये कह रहा है कि अधिनियम की क्रियान्वयन की मॉनिटरी यथास्थिति बालक के अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2006 की धारा 3 के अधीन गठित बालक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग